और महिलाओं एवं युवाओं को सम्मान व समाज में उनकी भागीदारी पर अपने विचार हमारे बीच रखें। एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय बंदे जी, राजकुमार जी, शशि, सफलबोध जी, अनिल कुमार जी, देशपाल जी, लक्ष्मी जी, सुनील कुमार जी और तमाम इस सभागार में जितने साथी बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बहुत ही कठिन विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा गया और महिलाओं और युवकों की भागीदारी बोलना है, इसका मतलब है कि भागीदारी अभी ठीक नहीं रही है, अभी सही दिशा में ट्रेनिंग जा नहीं पा रहा। तो मैं सोचा इसमें क्या बोलूंगा, बेहतर यह हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने क्या बोला था उसी बात को आपके सामने रखूं और उसी पे थोड़ी सी अपनी व्याख्या करूं, आपसे कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ उसमें राय मशवरा हो जाए। संगोष्ठी का, बातचीत का यही पर्पस होता है कि अपने महापुरुषों के विचारों का संदर्भ में उसको समझना कि क्या उन्होंने कहा था। मैं इस सिलसिले में 3 भाषण निकाला था डॉक्टर अम्बेडकर साहब का और मैं इतिहास का छात्र हूं, बगैर संदर्भ के बात नहीं करता। तो मुझे लगता है कि शायद समय उतना नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं संक्षेप में उसी बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। शायद 1 या 2 लेख मैं जिक्र कर पाऊंगा। और ये डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण है, June 10, 1936 का भाषण है बॉम्बे में। और एक भाषण उनका जो है वो है 5 फरवरी 1938 का है, ये युद्ध के ऊपर है। और एक भाषण है 25 दिसंबर 1952। ये 2 भाषण महिलाओं के ऊपर है और एक भाषण युद्ध के ऊपर। बहुत सारे साथी यहाँ पे देख रहे होंगे, लॉकडाउन पीरियड में मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, घर बैठ के क्या करता, तो अम्बेडकर नामा नाम का एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, उसमें तकरीबन 1100 वीडियो में बना चुका हूँ साल भर के अंदर। और कई बार जाता हूँ सभाओं में लगातार, भारत में कई साथी, अशोक भी बैठा हुआ यहाँ पर, और कई साथी जानते हैं कि भारत भर में पिछले कई सालों में हमने काफी सभाएं की हैं, लेकिन अमूमन ये देखने में मिला है कि मन की बात ज्यादा होती है, काम की बात कम होती है। और लगता मैं भी डॉक्टर अम्बेडकर को उतना नहीं पढ़ पाया था क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है, मेरा सब्जेक्ट अलग है। तो पिछले साल 2 साल में पढ़ने का मौका मिला तो मैंने सोचा कि कम से कम मन की बात नहीं काम की बात करते हैं, और जो उन्होंने कहा था पेज नंबर रेफरेंस के साथ लोगों को बताते हैं कि इसमें सही दिशा में बहस। बाबा साहब ने कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था, क्या संदर्भ था, ये संदर्भ जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपसे ज्यादा काम बाबा साहब पर, बाबा साहब के विचारों के जो शत्रु हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपके पास गलत फलत बहुत सारी सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, इसलिए मैं एक तरह से बैकग्राउंड बना रहा हूँ क्यों वो जरूरी। चलिए सबसे पहले यूथ में बात करता हूँ। देखिए अगर ईमानदारी से बोले तो हमने यूथ में कोई काम ही नहीं किया है, न तो एज ए पेरेंट्स काम किया है और न एज ए सामाजिक समूह काम किया है। मैं जहां जाता हूं मेरे पास कई बड़े बड़े अधिकारी, लीडर्स तमाम, खास तौर से मैं बहुजन जमात की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं तो अधिकारी साहब क्या बोलते हैं कि भाई बेटा हमारा या तो IAS बन जाएगा या इंजीनियर बन जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ 24 वर्ष में सेट हो जाएगी। तो मैं उनको बार बार समझाता हूं कि लाइफ 24 साल में सेट होने का मतलब है वो आदमी मर गया 24 साल में ही, खाली क्रियाकर्म उसका दफनाया जाना बाकी है, 70 साल में वो दफनाया जाएगा, क्योंकि 24 साल में तो रोड़ी सीमेंट और
बालू पत्थर जो है वो सेट होता है, छत बनता है तो बोलते हैं छत सेट हो गया। तो आदमी कैसे सेट हो सकता है? आदमी सेट हो गया इसका मतलब मामला खत्म है। तो 60 साल नौकरी करने के बाद आएंगे तो बड़े बड़े व्याख्यान देंगे कि मैंने ये कर दी वो कर दी। प्राइम टाइम आपके जीवन का जो है वो चला जाता है सरकारी मंत्रियों और बड़े बड़े अधिकारियों के गुलामी में चला जाता है, आपके पास करने के लिए कुछ रहता है। मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि आपको नहीं बनना चाहिए, कि आपको कलेक्टर नहीं बनना चाहिए, आईपीएस नहीं बनना चाहिए, आईपीएस नहीं बनना चाहिए। सवाल यह है कि यह भी बनना चाहिए लेकिन पत्रकार कौन बनेगा, वकील कौन बनेगा, इतिहासकार कौन बनेगा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन बनेगा, राजकुमार जी बैठे हुए किताब लिखते रहते हैं, अर्थशास्त्री कौन बनेगा। यह सवाल बार बार उठाना जरूरी है और हमारी त्रासदी है। हम सब ने अभी हमारे एक मित्र साथ में थे, मेरे साथ आए, वो पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सन की तरह का आदमी हूं, मैं हिंदू कॉलेज में रहता हूं, बेटा इतना नंबर लेके आया कि हिंदू स्टूडेंट्स किसी में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मैंने बेटा को भेज दिया अजीत प्रेम जी हिस्ट्री पढ़ने के लिए, 4 लाख रुपया 4.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा बजट मैंने बढ़ा लिया था। अब क्यों किया मैंने, सोची हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैंगलोर भेजना, मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मुझे सिस्टम पता है चल क्या रहा। तो साथियों कहने का लंबो लुआ मतलब इससे संक्षेप में कहना कि आप अपने घर से आमर्थ से नहीं बनाएंगे, रोमिला थापर नहीं बनाएंगे, इंटेलेक्चुअल्स नहीं पैदा करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि आपके सामने इतने सारे बाबू लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, आपके सामने रोज बलात्कार हो रहा है, रोज आपके आरक्षण परीक्षण सब छीन गए खत्म हो गए और आप कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाया। हमारे पास कुछ ब्यूरोक्रेट्स लोग आए थे बड़े बड़े अफसर कि लेटरल एंट्री वाला मसला जो है जरा इसको उठाइए। हम बोले हम ही सब उठा लेंगे तो आप क्या कीजिए, है ना, हम ही सब उठा लेंगे तो खर्चा हम करें, मुद्दा हम उठाए, भारत बंद में शामिल हो, भारत बंद कॉल दे, आप घर में बैठ के खाली सेक्रेटरी बनिएगा लाल पीला बत्ती में। तो सवाल है कि हमारे समाज में एक्टिविस्ट इंटेलेक्चुअल कम है बहुत सारे। बाबा साहब आईसीएस बन के नहीं आए थे भारत में और उन्होंने कहा था बॉम्बे के एक भाषण में, मैं जो लेकर आया हुआ, समय कम है, दूसरी तरह की सभा है, उन्होंने कहा था कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे मुझे अगर गवर्नर ही बनाया जाए तो मैं नहीं बनूंगा। ऐसे बहुत कम लोग भारत में हैं। आजादी की लड़ाई देखिए, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े लोग जिन्ना हो, सब लोग बैरिस्ट्री पढ़ के आए थे लंदन से, और जितने पेरेंट्स हैं यहाँ बैठे हुए कोई अपना बच्चा को बैरिस्टर नहीं बनाना चाहता, लंदन नहीं भेजना चाहता, कोलंबिया नहीं भेजना चाहता। तो आपकी लड़ाई लड़े को आपकी लड़ाई नहीं लड़े। बाबा साहब के पे बैक टू द सोसाइटी सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जिसको आप बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ट्रेनिंग देने में पढ़ रहा था सारा, ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग है, सिलाई की ट्रेनिंग है, तमाम ये सब बातें बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन इसके अलावा जो सक्षम लोग इस समाज के सक्षम लोग से मैं आह्वान कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि बेटा को लीडर नहीं बनाएंगे आप, लीडर नहीं बनाएंगे तो आपका बेटा बनेगा बाबू, उसको हर समय उसको कुंठा तबाह के आप रखते हैं। बेटा बनेगा बाबू तो लीडर तो वही बनेगा ना जो संसद और विधानसभा में जाकर चुपचाप बैठे रहेगा, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो आज से तय कीजिए कम से कम 10 लोग, बड़ौदा महाराज अगर नहीं होते तो अम्बेडकर नहीं होते, बड़ौदा महाराज नहीं होते तो अम्बेडकर नहीं होते। वो वहां क्या बनने गए थे, वो 2-2 PhD इतनी सारी डिग्री लेकर आए थे और उनको वहां नहीं जाकर अगर पढ़ते तो हम सबकी जो लड़ाई लड़ रहे थे वो कभी नहीं लड़ पाते, एक मुंबई में कहीं एक नौकरी करते हुए कभी हम लोगों ने सीख ली। बाबा साहब को फेलोशिप मिला था बड़ौदा महाराज, बाबा साहब ने लॉर्ड लिलिथगो था, राजकुमार जी ज्यादा जानते हो, उनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, 3 लाख रुपए सालाना स्कॉलरशिप दिलवाया था बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए,
भाषा के साथ विदेश पढ़ने गए। कई लोग कहते हैं तू कहां सोफा में धस गया पता ही नहीं लगा, लौट के आए कि नहीं आए पता ही नहीं। तो ठीक है कोई बात नहीं है, सोफा में धस गए। अब तो न बड़ौदा महाराज है, न वो गवर्नमेंट है, न साहू जी महाराज है, न अम्बेडकर है, और आपके बच्चों के लिए जो फेलोशिप का इंतजाम भारत सरकार ने किया है, ऐसा किया है कि किताब तुम्हारा पन्ना हमारा, क्रीमी लेयर पहले लगा हुआ है, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए से कम जिसका होगा उसी बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए फेलोशिप मिलेगा, 8 लाख से कम जिसका होगा वो कम बच्चे हैं जो हायर स्टडीज में जाएंगे, और जिसका 10 लाख होगा वो काबिल है तो एलिजिबल नहीं है। तो ये एक हाथ से दे दिया दूसरे हाथ से ले लिया, कोई इंटेलेक्चुअल कोई नेता इस पे आवाज नहीं उठा रहा है कि जब नौकरी में क्रीमी लेयर नहीं है तो फेलोशिप देने के लिए क्रीमी लेयर क्यों लाए। लेकिन क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सरकार और नेताओं के हवाले छोड़ सकते हैं? ये सवाल हम सबसे है कि जब तक वो नहीं आएंगे तो अपने बच्चों को आप कोलंबिया नहीं पढ़ाएंगे, हार्वर्ड नहीं पढ़ाएंगे, ऑक्सफोर्ड नहीं पढ़ाएंगे। मैं ये बार बार कह रहा हूं ये बात कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो मिलावटी है। ये पढ़ के यहाँ पढ़ के आपका बच्चा शेरनी का दूध और शेर का दूध कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं बहुत मेहनत करना पड़ता है, सिलेबस जिस तरह से बनाया जाता है कि आपके जो क्रिटिकल माइंड है, सोचने समझने का जो माइंड है वो डेवलप नहीं होगा। हिसाब किताब सिलेबस, हम लोग जो छात्रों से बात करते हैं तो क्लास के बाहर 1-2 घंटा बात करते हैं तब उसमें काम की बात होती है। सिलेबस तो है कि भाई प्राचीन भारत पढ़ाना है पढ़ा दिया, लेकिन प्राचीन भारत क्यों पढ़ाए ये सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है। प्राचीन भारत क्यों पढ़ाए, पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ाए, ये सिलेबस में नहीं लिखा है। तो जब जिस विषय का आप रेलेवेंस ही नहीं जानते पढ़ के करेंगे क्या, तो आपको क्या बनाया जा रहा है, मशीन बनाया जा रहा है। सब इंजीनियर बन लो, सब डॉक्टर बन लो, चुपचाप रहो खाना खाओ। तो साथियों मैं ये आपसे आह्वान करता हूं, कर रहा हूं, और बाबा साहब का अंबेडकर के हवाले से ये बात कह रहा हूं जो हर समय युवाओं को प्रेरित करते थे, बोलते खाना खाना सो जाना धरती पे बोझ बनने के बराबर, सो जाना धरती पे बोझ बनने के बराबर। आपके जीवन में बड़ी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, बड़ी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए जीवन में। तो हमारा जब पेरेंट्स ही महत्वाकांक्षी नहीं बनाता है उसको, सब बोलता है बाबू बन जाओ सेक्शन ऑफिसर बन, उसको बनाइए प्रधानमंत्री बनने का महत्वाकांक्षा दिखाइए। तो जो ड्रीम्स नहीं दिखाएंगे, जो आदमी ड्रीमर नहीं होगा, जो बड़े ख्वाब नहीं देखेगा, हमने नहीं सुना किसी को आज तक कि मेरा बेटा या बेटी फूले बनेगी, सावित्री बाई फूले बनेगी या अम्बेडकर बनेंगे, नहीं सुना आज तक। ये आपके गुलामी की त्रासदी है। जो डॉक्टर अम्बेडकर जब दे के गए थे अकेला दे के गए थे, आप सब इतने लोग मिलकर बचा नहीं पाए, सब खत्म हो। तो फेलोशिप के सवाल में मैं आता हूं, इसलिए हमने एक योजना बनाई है, मैं काम कर रहा हूं। कि कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई 70 साल बाबा साहब भेजे थे सर तो सोफा में धस गया कहीं। तो एक बात बताइए, मैंने एक सवाल उलट के पूछा कि लड़कियों का बलात्कार होता है तो बच्चियां पैदा होना बंद हो जाएगी नहीं होंगे? तो 70 साल में जब सरकार और नेता आपके साथ इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार नहीं था तो आप क्या कर रहे थे, समाज क्या कर रहा था? सब लोग देखिए जहां मिशन का काम करें मिशन का काम चल, लेकिन जब तक आपने इंटेलेक्चुअल इतिहासकार नहीं बनाया, समाजशास्त्री नहीं बनाया, तो क्या मिशन किस दिशा में जाएगा? कमांडर बिना जो सेना होता है ना, कमांडर बिना सेना वो पता नहीं किधर गोली चलाएगा पता नहीं। इसलिए मुझे आने वाले समय में 10-20-50 इंटेलेक्चुअल्स पैदा करना है। हमें सिर्फ नौकरी करने वाला मशीन पैसा कमाने, हमारे पास सीए नहीं है तो खीरा चोरी कह रहा आरोप में आप जेल चले जाओ, अहिरा चोर लंदन में मजे करें, बताइए किसका बच्चा सीए बन रहा? यह जिम्मेदारी बच्चों की नहीं, यह जिम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को इतना बड़ा ड्रीमर बनाए। और यकीन मानिए
मैं अपने कारनामा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, कहीं उसमें मेरा अकाउंट नंबर नहीं है, कहीं मैंने कोई चंदा नहीं मांगा। क्यों? कि जब मुझे मांगना होगा तो आपके बच्चों के लिए मांगूंगा, अपने लिए नहीं मांगूंगा। अभी सक्षम हूं, अभी सक्षम हूं कि मैं अपना खर्चा चला सकता हूं। और जब 1,00,000 सब्सक्रिप्शन पूरा हुआ तो हमने एक योजना निकाली कि जो बच्चा हमारे साथ आएगा, ट्रेनिंग लेगा बोलने का, लिखने का, कैमरा फेस करने का, भाषण देने का, वीडियो कैमरा में बोलने का, मेरे साथ काम करो और तुमको ट्रेनिंग देंगे। अगर तुमको लंदन, हार्वर्ड कहीं एडमिशन होगा, तुम्हारे लिए पैसा का इंतजाम हम करेंगे। और यकीन मानिए, हमारे साथ अभी राजा चौधरी बैठे हुए, जरा उनके मास्क हटा के चेहरा दिखा दो भाई, ये राजा चौधरी है। और जो यूट्यूब देख रहा हूं, मैंने कितनी अपील की है यूट्यूब पे, राजा चौधरी साहब को लंदन यूनिवर्सिटी में LLM करने के लिए एडमिशन मिला, 24,00,000 रुपए की जरूरत थी। और यकीन मानिए, 24,00,000 रुपए हमने अंबेडकर नामा टीम ने सोशल मीडिया पे अपील करके और क्राउड फंडिंग करके पूरा कर दिया, 24,00,000 रुपए। तो ये भी मिशन का काम है। इस मिशन का काम कौन करेगा? आपके बच्चे, जो इतने खूबसूरत स्मार्ट बच्चे सब हैं, इसको क्यों मशीन बना रहा है? उसके अंदर बहुत, हम लोग गांव से आए थे भाई, ना अंग्रेजी जानते थे ना कुछ जानते थे, गांव से आकर शहर में लगातार 20-25 साल काम करते थे, तब जाके इस स्थिति में आए। आपको तुरंत सक्सेस क्यों चाहिए? 24 साल में ही सक्सेस क्यों चाहिए? जिस काम में हम लोग हैं, जिस काम की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए 25 साल की तैयारी करनी पड़ती है। 25 बरस काबिल बनने ये लोगों को समाज में सर देखा। एक साथ मैं बताऊं, 4 बच्चे बहुजन जमात के 4 बच्चे, समाज ने उनको लाखों रुपया इकट्ठा करके लंदन भेज दिया। एक अमेरिका गया, 3 लंदन गया। पर तो ये समाज की भी जिम्मेदारी है। राजा महाराजा नहीं आने वाला है, ना बड़ौदा महाराज आएंगे, अरे वो सरकारें हैं जो आपके बच्चों का हित देखेगी। अब पूरे समाज को ही राजा महाराजा बनना पड़ेगा, महाराजा बड़ौदा बनना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर 1,000 आदमी अगर 1,000 रुपए निकाल दे तो कितने बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं ना? 1,000 रुपए तो अभी जाएंगे, फास्ट फूड का जमाना है, पिज्जा बर्गर में खत्म हो जाए, और पिज्जा बर्गर फास्ट खिला खिला के बच्चों में भी वही डाल रहे हैं ना, तुरंत इंस्टेंट चाहिए मैगी, 2 मिनट्स, 2 मिनट में कुछ नहीं होता है। लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। बार बार हिंदू कोड बिल पे डॉक्टर अम्बेडकर भाषण दे रहे थे और बार बार आह्वान कर रहे थे, तमाटीपुरा के जो वहां पर प्रोस्टिट्यूशन के काम में कुछ महिलाएं थी उनके सामने भाषण दिया, कई भाषण दिए उन्होंने। महिलाओं हिंदू कोड बिल में 1952 का भाषण है, जाके एक बार देखिएगा, चाहे वीडियो पे जाइए, सर्च में विमेन टाइप कीजिएगा, वीडियो निकल के आए कि जाके पढ़ियो। बार बार कह रहे हैं कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। कि मुझे दुख है इस बात का कि पुरुष होकर मैं पार्लियामेंट में लड़ता रहा महिलाओं के अधिकार के लिए, और महिलाएं जो सांसद चुन के आई थी वो भी इस लड़ाई में हमारे साथ नहीं आई, क्योंकि सबको लालच था UNO जाने का, किसी को कोरिया जाने का लालच था। तो कहते हैं कि महिला का डेलीगेशन, महिला जो बिल था उसके खिलाफ मेरे पास आया और हमसे कहा गया कि हम लोग इस विरोध में आए हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पूछा कि आपने बिल पढ़ा है? तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ा है। तो आप विरोध क्यों कर रही है? तो विरोध इसलिए कर रही हूं कि पति बोला है कि विरोध नहीं करोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तो शौक की वजह से मैं इस बिल का विरोध कर रही हूं। महिला आपकी लड़ाई फिर प्रॉपर्टी के आधार पर उन्होंने क्या क्या कहा, एक बात पढ़िए सुनिए, नहीं पढ़ सकते सुन लीजिए। बहुत मेहनत करके आप सब पैसा लेते हैं ना, चंदा लेते हैं, पढ़ पढ़ के एक वीडियो बनाने में 3-4 घंटा लगता है, पढ़ना समझना उसके बाद प्रेजेंट करना। तो सारे वीडियो जो अम्बेडकर नामा में लगे हुए हैं एक बार चाहते उसको सुनिए, यहाँ उतनी लंबे भाषण करने का समय नहीं, बहुत सारे वक्ता है। सवाल यह है कि आपको कोई यहाँ का अवतार अवतार नहीं होने वाला है, आपको अपने हक की लड़ाई, अपने अस्मिता की लड़ाई,
ये खुद लड़नी पड़ेगी। बराबरी की लड़ाई एक छोटा सा घर होता है ना, वो भी राज्य के बराबर होता है, पूरा राज्य होता है, वहां भी थानेदार होता है, वहां भी मुख्यमंत्री होता है, वहां भी होम मिनिस्टर होता है। तो किताब तुम्हारा पन्ना हमारा बहुत चाबी लिए रखना, लेकिन तिजोरी में से निकालना कुछ नहीं, चाबी वाली रखे रहो। तो ये आपको हर जगह ये सम्मान आत्मसम्मान हकों की लड़ाई लगातार बार बार आपको लड़नी पड़ेगी। ऐसे अधिकार आजादी और सम्मान किसी को कभी मुफ्त में नहीं मिला, उपहार में नहीं मिला, लीजिए ये आपको उपहार दे रहे आजादी। तो ये बगैर संघर्ष के कोई प्रिविलेज क्लास अपना जो सुविधा छोड़ता है, चाहे घर हो चाहे राज सत्ता, नहीं छोड़ता। तो इसलिए ये कहना है कि देखिए आजादी भारत वर्षों गुलाम रहा, ये बात कहने में मैं खत्म करूंगा, काफी लोग हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर बार बार लिख रहे हैं कि जब यहाँ सेना में एक ही जात का आदमी सेना लड़ाई करता, बाकी समाज बहुत था, तो वो तो गुलाम बनता ही बनता, तो कोई लड़ाई नहीं जीत सकता। तो आप बहुजन बहुजन चिल्लाते रहिए, उसमें से महिला नदारद है या यूथ नदारद है, महिला नदारद है और यूथ नदारद हो जाए तो बोल पचासी कर कर ये सड़क पे दिखता नहीं। इसलिए जब तक महिलाओं और युवाओं को जब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में नहीं मेरे घर में भी होना चाहिए, अम्बेडकर पड़ोसी के घर में नहीं मेरे घर में भी होना चाहिए, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं। चलते चलते एक अपील की थी डॉक्टर अम्बेडकर ने बुजुर्गों से, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो अपील उन्होंने किया था कि वो जो यूथ के सभा में गए थे तो उन्हें कहा था कि युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा और जो बूढ़े लोग हैं वो कम, और बूढ़े लोग की संख्या कम और ऐसे लोग वे बचपन से जिन हालात में बड़े हुए हैं उससे छुटकारा पाने के लिए उनमें अधिकतर लोग तैयार नहीं, संस्कार एक दिन में नहीं जाता, अधिकतर लोग तैयार नहीं, जिन हालात में वे बड़े हुए उनसे चिपके रहने की ओर उनका झुकाव दिखाई देता है। संस्कारों परंपराओं से जिसकी चर्चा भंडे जी कर रहे थे कि लंबे समय से झुका रहता है, चिपका रहता उनमें किसी और उनसे किसी और काम करने की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, उनसे और कोई काम करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। वे हमारे आंदोलन में कोई अड़चन न लगाए, यही उनका सबसे बड़ा योगदान होगा। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ बाल सफेद हो जाना बुद्धिमान होने की निशानी नहीं है, बाल हो जाना बुद्धिमान होने की निशानी नहीं है। देखो मैं इतना उम्र मैंने क्या धूप में बाल थोड़ी सफेद किए हैं, ये बुद्धिमानी की निशानी नहीं है। बुद्धिमान 16 साल का लड़का भी हो सकता है, उसमें शील कितना है, ज्ञान कितना है, सोचने समझने की ताकत कितनी है, ये सब समझना है। इसलिए कम से कम बच्चे जो हर समय उस पर अंकुश लगा के रखते हैं, उसकी ऊर्जा को दबा के रखते हैं, उसको बांसुरी बजाने में मन लगता है और आप गिटार थमाना चाहते हैं तो बहुत खराब गिटारिस्ट बन गए। जो बांसुरी बजा सकता है उसे बांसुरी बजवाए, जो आर्किटेक्ट बन सकता है आर्किटेक्ट बनवाए, सबको फेड़ चाल में जो है वो आईएएस बनाने की होड़ में मत फंसिए। हमें अच्छे वकील चाहिए, हमें अच्छे सीए चाहिए, हमें इस तरह के लोग चाहिए। और लड़कियां ही बनेंगी लड़के ही बनेंगे दोनों के लिए कॉमन फायदा था, वो बनेंगे इसलिए बच्चों के अंदर जो नेचुरल जो पोटेंशियल थी उसको उभरने दीजिए। मेरे दो बच्चे हैं, मैंने उससे कहा है कि तुम लोगों को नौकरी नहीं करना, एक को फिल्म हिस्टोरियन बनना है, सातवें क्लास में पढ़ती है, 300 फिल्म देख चुकी है, बेटा को कुछ और करना हो हिस्ट्री पढ़ने चला गया। तो जिसमें जो नेचुरल सोच है ये बच्चे नहीं है, ये कल के हमारे लीडर है। शुक्रिया जय हिंद साथियों।